एलिजाबेथ टू का गुरुवार देर रात को निधन हो गया। 96 साल की एलिजाबेथ 70 साल तक ब्रिटेन की क्वीन रही। 1997 में भारत दौरे के समय महारानी एलिजाबेथ अमृतसर आई थी। यहाँ उन्होंने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका था। इससे भी खास बात यह है कि क्वीन ने जलियांवाला बाग पहुंचकर वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। 14 अक्टूबर 1997 को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद क्वीन एलिजाबेथ के काफिले को एयरपोर्ट से सीधे गोल्डन टेम्पल पहुँचाया गया था, लेकिन वे सीधे जलियांवाला बाग पहुंच गई। उनके कार्यक्रम में यह बदलाव आखिरी समय में हुआ था। क्वीन ने जलियांवाला बाग में उन भारतीय शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्हें ब्रिटिश राज के दौरान जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया था। क्वीन नंगे पैर जलियांवाला बाग पहुंची थी। जी हाँ, आपको बता दें, लोग गोल्डन टेम्पल में क्वीन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका काफिला अमृतसर एयरपोर्ट से 17 किलोमीटर 12:10 जलियांवाला बाग के सामने रुका। जलियांवाले बाग में महारानी का स्वागत जलियांवाला बाग ट्रस्ट के तत्कालीन सेक्रेटरी एसके मुखर्जी ने किया। यहाँ महारानी जूते मोजे उतार कर शहीदी लाट पर पहुंची और फूल चढ़ाकर शहीदों को नमन किया। उन्होंने शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा। महारानी करीब 15 मिनट जलियांवाला बाग में रही। जी हाँ, आपको बता दें, गोल्डन टेम्पल प्लाजा में पहुंचने के बाद महारानी ने वहां बने जोड़ा घर में जूते तो उतारे, लेकिन सफ़ेद रंग के मोजे पहने रखे। उनके हाथों में भी सफ़ेद रंग के दस्ताने थे। महारानी ने हैट पहन रखी थी। इसको लेकर विवाद भी उठा, लेकिन महारानी को मोजे पहन कर आने की परमिशन दिए जाने पर आज तक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के अधिकारियों ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जी हाँ, आपको बता दें, गोल्डन टेम्पल में नंगे पैर आने के नियम की गंभीरता इस उदाहरण से समझी जा सकती है कि वर्ष 2007 में यहाँ ऑस्ट्रेलियन नागरिक बेवरली को साफ इसलिए माथा टेकने से रोक दिया गया था क्योंकि उसने पैरों में डॉक्टर की ओर से दी गई बैंडेज पहन रखी थी। गोल्डन टेम्पल परिसर में हर समय मौजूद रहने वाले SGPC टास्क फोर्स के सदस्य श्रद्धालुओं को नंगे पैर रहने और सिर ढके रहने के लिए लगातार टोकते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।